हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ सुदीप्ता शेख। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ ऑटोकैड का बेसिक क्विक व्यू ट्यूटोरियल्स। तो आज ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है ऑटोकैड का। आप नए हैं तो मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सबसे पहले प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरा वो वीडियो सबसे पहले आप देखें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है ऑटोकैड का व्यू। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे पैनल आप लोगों को दिख रहे हैं, शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। ऑटोकैड जो है सिर्फ सिविल स्ट्रक्चर और मैकेनिकल में यूज़ नहीं होता है, बहुत सारा सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में यूज़ होता है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जियोथर्मल और ऑटोमोबाइल। लगभग सारे सेक्टर में जो मेनली इम्पोर्टेंट है, आईटी सेक्टर में भी यूज़ होता है, साइंटिफिक सेक्टर, साइंस सेक्टर में भी यूज होता है ऑटोकैड के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है सिविल इंजीनियरिंग में। तो मुझे लगता है कि इंजीनियर को ऑटोकैड जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप लोगों को आज से ऑटोकैड के ट्यूटोरियल के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को इसमें बेसिक व्यू दूंगा कि ये जितने भी सारे टूल्स हमें दिख रहा है, ये पैनल हमें दिख रहा है, तो ये एक्चुअल में है क्या, क्या क्या काम होता है, और इनके नाम जानेंगे आज। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसे आते जाएंगे तो हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे और भी डिटेल में जानेंगे ऑटोकैड में क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं और क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पैनल है, ये पैनल को हम बोलते हैं ड्रॉ पैनल। यहाँ पे सारे लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस पैनल का काम क्या है, ये ड्रॉ पैनल है, इससे हम ड्राइंग बनाते हैं। जैसे हमें कोई लाइन खींचना है तो हम इसके मदद से खींच सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो, ये बहुत यूजर फ्रेंडली है ये। तो इस पैनल का अलग अलग टूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल का टूल्स है, मोस्टली 3D में यूज़ होता है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को जब मैं 3D वीडियो का ट्यूटोरियल बनाऊंगा, एडवांस लेवल में जाऊंगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर देखिए एक पैनल है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैनल और स्टाइल पैनल। ये स्टाइल पैनल का काम क्या है, स्टाइल पैनल का काम जैसे हम यहाँ पे देखिए डायमेंशन दिए हुए हैं, तो इस डायमेंशन का स्टाइल, डायमेंशन का स्केल क्या होगा, उस डायमेंशन का यूनिट किस यूनिट पे सेट करना है, दिखाना है हमें ड्राइंग में किस यूनिट पे दिखाना है, मीटर में दिखाना है, फिट में दिखाना है, इंचेस में दिखाना है। तो ये जो डायमेंशन पैनल आपको दिख रहा है, ये वाला पैनल में डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में हम उसको सेट करते हैं। तो इसके बारे में हम जब मेरा दूसरा वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो मैं टोटल डिटेल में वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो ये है नॉर्मली टेक्स्ट स्टाइल। इस यहाँ से हम टेक्स्ट वगैरह को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे ड्राइंग पे कौन सा टेक्स्ट रहेगा, बाय डिफॉल्ट कौन सा टेक्स्ट हमें चाहिए, एरियल चाहिए या सिंपल टेक्स्ट चाहिए या लाइन टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ से चूज करते हैं। नॉर्मली ये सारे फॉन्ट हैं। उसके बाद ये टेबल स्टाइल पैनल है। ये टेबल स्टाइल में हम बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का एक सेटअप रख सकते हैं। अभी जो सेटअप दिया हो ये है, तो इसमें हम न्यू में जाके यहाँ पे नया अलग 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 सेटअप बना सकते हैं। इसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगा। उसके बाद आप देखिए राइट हैंड साइड में मेरा जो माउस कर्सर जहाँ से गुजर रहा है, ये है मॉडिफाई पैनल। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पैनल इन दिस सॉफ्टवेयर। विदाउट दिस पैनल वी कांट डू एनीथिंग। हम लोग जैसे लाइन हमने मार दिया यहाँ पे, तो अगर ये लाइन, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये लाइन को यहाँ तक स्टॉप कर देना है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम मॉडिफाई पैनल का ही सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। इस पैनल का हेल्प से हम आसानी से, बड़ी आसानी से पूरा हर चीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं, तभी जाके आपके सामने इतना खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव ड्राइंग प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इस पैनल में आप देखिए इरेज है, इरेज टूल्स है, कॉपी है, मिरर है, ऑफसेट है, रेक्टेंगुलर एराई है, ये मूव है, रोटेट है, स्केल है, स्ट्रेच, ये सारे इस पैनल में आता है। और इस पैनल के बारे में, एक एक टूल्स के बारे में मैं आप लोगों को मेरे नेक्स्ट आने वाला वीडियो में बताऊंगा।
उसी के साथ में ये जो पैनल आपको दिख रहा है ये है ड्राइंग प्रॉपर्टी पैनल। ये जो ड्राइंग प्रॉपर्टी पैनल इसका बहुत यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत जानकारी मिलते हैं हमें। सपोज़ मैंने ये डायमेंशन को सिलेक्ट किया है तो इसमें क्या दिखा रहा है, आप देखिए अभी दिखा रहा है प्रॉपर्टी रोटेट डायमेंशन। उसके बाद जनरल को अगर ऑन कर लेंगे तो कलर इसका है बाय ब्लॉक में दिया हुआ है, लेयर है डायमेंशन लेयर, यहाँ पे देखिए डायमेंशन दिखा रहा है, और लाइन टाइप है बाय लेयर है, लाइन स्केल है। तो ये सारे डिटेल हमें इसमें मिलता है और इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसके हिसाब से, टेक्स्ट में जाके एरो में जाके हर चीज़ का एक एक डिटेल ये प्रॉपर्टी पैनल में। तो इस प्रॉपर्टी पैनल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद देखिए ये वाला पैनल, यहाँ पे जो पैनल है ये है लेयर पैनल। यहाँ से हम लोग लेयर डिफाइन करते हैं, जैसे एक ड्राइंग बनाते हैं तो इसमें लेयर हम बना के फिर उस एक एक लाइन को, कौन सा लाइन वॉल का होगा, कौन सा लाइन, ये सारे लाइन का थिकनेस, लाइन का कलर, हर चीज़ हम इसमें डिफाइन करते हैं इस वाला पैनल पे। तो देख लेते हैं, देखिए इस वाला पैनल में देखिए बहुत सारे लेयर्स हैं, इस एक एक लेयर का नाम अलग अलग है। तो एक एक लेयर का, एक एक लेयर में एक एक ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें डालते हैं ताकि ड्राइंग बनाने का टाइम पे इजी हो। जो चीज़ चाहिए हम उसको बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं या हाइड भी कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा यूज़ है। और उसके बाद देखिए ये है लेयर प्रॉपर्टी पैनल। ये ड्राइंग प्रॉपर्टी है, ये लेयर प्रॉपर्टी है। अब ड्राइंग प्रॉपर्टी में क्या है, नॉर्मली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे लाइन लिया है, अभी ये लाइन जो है वाइट कलर दिखा रहा है और इसको सिलेक्ट करेंगे तो वॉल लेयर में है, तो वॉल लेयर का कलर वाइट है। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं सिंपली उसको सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगा, बाय लेयर लिखा हुआ है तो मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये लाइन का कलर चेंज हो गया है। अभी मुझे इस लाइन टाइप को चेंज करना हो तो यहाँ पे जाके मैंने हिडन कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ये हिडन दे दिया। तो पहले कंटिन्यू लाइन था, सिंगल लाइन था, अभी हिडन लाइन हो गया, बीच में गैप आ गया है। तो अभी इसको चेंज करके मैं लाइन का थिकनेस चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लाइन का थिकनेस चेंज कर सकता हूँ। तो ये है लेयर प्रॉपर्टी पैनल। हाँ, यहाँ से भी लेयर चेंज कर सकता है क्योंकि ये टोटल ड्राइंग का पैनल है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको रेड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेयर में चेंज कर सकता हूँ, उसका टेक्स्ट में डाल देता हूँ, हिडन से मैं इसको बाय लेयर कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकते हैं हम। तो इस हिसाब से इस पैनल का इस्तेमाल होता है। तो अभी देखते हैं ये वाला पैनल, ये है हमारा डायमेंशन पैनल। आपको जो ड्राइंग में ये डायमेंशन दिख रहा है, मतलब 5 मीटर 10 इंच, 13 मीटर 5 इंच, ये सारे डायमेंशन हम इस पैनल का मदद से ही देते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा टाइप का डायमेंशन है इस पैनल में। इस पैनल में एक तो है लाइनर है, अलाइन है, आर्क है, कोऑर्डिनेट है, रेडियस है, ये सारे, ये एंगल है। तो मेरे आने वाला वीडियो में जैसे जैसे मैं ड्राइंग बनाते जाऊँगा, आप लोगों को सिखाते जाऊँगा, वैसे वैसे इस सारे टूल्स का इस्तेमाल हम करेंगे और उस टाइम डिटेल में हम आपको बताएंगे। आप नए हैं तो मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सबसे पहले प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरा वो वीडियो सबसे पहले आप देखें।